स्टूडेंट्स, चले फ्यूचर टेंस में जो है लिंकिंग वर्ब टू हैव का प्रयोग आप पढ़ रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है। आज के दिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है। हालांकि अगर हिंदी स्ट्रक्चर नहीं भी दिया जाता तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे कमजोर होते हैं ना, उनके लिए मैं देना उचित समझा। तो आज का टेंस में क्या है, 26वां दिन है, 26th डे है, यानी 26वां दिन है। फ्यूचर टेंस यूज ऑफ शैल और विल बी प्लस हैव का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हिंदी स्ट्रक्चर से आप परिचित हो। आप अफर्मेटिव सेंटेंस में तीन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अगर हम क्या को यहाँ ढंप देते हैं तो देखिए, थ्री स्ट्रक्चर्स आपको हिंदी वाला अफर्मेटिव सेंटेंस वाला मिल जाएगा। यहाँ देखिए, ढक दिया, कर्ता के पास अन्य शब्द अंडरप्रोगेट संज्ञा होगा, होगी, होगे, कर्ता के पास अन्य शब्द संज्ञा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, कर्ता को अन्य शब्द संज्ञा मिलेगा, मिलेगी, मिलेगी, यही स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। तो चूंकि इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति अफर्मेटिव सेंटेंस से होती है, अब तीनों में क्या लगा दीजिए, तो यह तीनों क्या हो गया, डब्ल्यू एस टाइप नो हो करके यस नो टाइप। इस क्या को आप क्वेश्चन वर्ड मत समझिएगा, मैं चर्चा करता रहता हूँ। यह हिंदी वाक का जो यस नो टाइप सेंटेंस होता है, बनाने के लिए शुरू में क्या लगा दिया जाता है, तो इसकी इंग्लिश कोई नहीं होगी, इसके इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। तो क्या लगा करके थ्री स्ट्रक्चर्स हमने हिंदी में बना दिया, क्या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे कभी भी आप डब्ल्यू एस टाइप नहीं समझेंगे। अब चलिए, इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, ये क्या हटा दीजिए, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हमें प्राप्त हो जाएगा। उन तीनों अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर अन्य शब्द के बाद प्रश्नवाचक शब्द लगा दीजिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द और यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्रमशः लगा दीजिए, तो थ्री डब्ल्यू एस टाइप मिल जाएगा। अब इन प्रश्नवाचक शब्द की कोई ना कोई इंग्लिश लिखी जाएगी, आगे एग्जांपल्स में मैं इन्हें समझाऊंगा। अब चलिए, तो इस तरह से हिंदी में सिक्स स्ट्रक्चर्स मिले, लेकिन इनके लिए इंग्लिश में मुख्यतः दो ही स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ तीन बनाया और तीसरे को मैं समझाऊंगा अभी, आपको दो मिलेंगे। थ्री यस नो टाइप के लिए ये पहला मिल रहा है, कौन सा, यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है, चलिए लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, जो यस नो टाइप ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है जी, कॉमा सेकेंड एंड थर्ड, ये देखिए तीन स्ट्रक्चर के लिए आपको मिला। और यह जो डब्ल्यू एस टाइप मिल रहा है फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए, इसका जो आप प्रयोग कहाँ करेंगे, फॉर स्ट्रक्चर फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ के लिए, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब सवाल यह उठता है कि इसका प्रयोग आप किसके लिए करेंगे, ये तो इसके बारे में मैं जो थर्ड स्ट्रक्चर इंग्लिश का बनाया हूँ उसके बारे में आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके लिए अगर मैं हिंदी दूंगा ना तो थ्री स्ट्रक्चर्स और बढ़ जाएंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे भैया, नाइन हो जाएंगे। तो आप कितना स्ट्रक्चर बनाएंगे बताइए, तो इसको आपको समझना है, कैसे समझना है समझ लीजिए।
यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो रहा है अन्य शब्द के बाद हो रहा है, तो इन तीनों के लिए ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है लिख दिया का, फोर्थ फिफ्थ सिक्स लिख दिया। कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, कुछ ऐसे वाक्य आएंगे कि ये तीनों प्रश्नवाचक शब्द अन्य शब्द के पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य शब्द के पूर्व हो जाएगा, यानी इसका स्थान यहाँ और इसका स्थान यहाँ, तो उसके लिए यह है। तो इसलिए अब यहाँ पर तो मैं फॉर करके नहीं लिख सकता हूँ। तो जब ये अन्य शब्द ध्यान दीजिएगा, अन्य इस स्ट्रक्चर में देखिए इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपली है। क्या किया मैंने? अफर्मेटिव सेंटेंस से सेल और मिल को सर्वप्रथम कर दिया, ये तीनों स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी में मैंने क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया तो ये तीन हो गए बस, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा हम फ्रंट पर जोड़ देंगे जो भी आएगा। परंतु एक बात का ध्यान दे रहा है कि वह क्वेश्चन वर्ड हमारा अन्य शब्द के बाद आना चाहिए, तो अन्य शब्द के बाद अगर आता है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे सेकेंड स्ट्रक्चर में लेंगे। लेकिन क्वेश्चन वर्ड अन्य शब्द के पहले आता है, ध्यान दीजिएगा पहले आता है, तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम ध्यान दीजिएगा अन्य शब्द के पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ अन्य शब्द के बाद है, तो अन्य शब्द के बाद है तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ कहाँ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब के पूर्व आ रहा है, अन्य शब्द आपका स्वतंत्र है यहाँ पर। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द अगर अन्य शब्द के पूर्व आ जाएगा तो प्रश्नवाचक शब्द प्लस अन्य शब्द दोनों, तो प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड और प्लस अन्य शब्द अर्थात अदर वर्ड फ्रंट पर आ जाएगा। कहा आ जाएगा? फ्रंट पर। इसका मतलब कि यह जो है अदर वर्ड है उठ करके कहाँ आ गया? इसी स्ट्रक्चर से मिलान करिए, इससे मिलाइएगा। यह क्वेश्चन वर्ड यहां से उठ करके कहां चला गया? सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, अदर वर्ड्स, यह अदर वर्ड्स यहां से उठ करके इस क्वेश्चन वर्ड के साथ लग गया। ये क्यू है और यह ओ है, ये लग गया, तो यह विशेष स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, ना हिंदी मिटाऊंगा ना इंग्लिश मिटाऊंगा, ऊपर का मिटा देता हूं और आपको दे देता हूं। अब संभव हम देते हैं पंजाबों में उसके पास नई कार है ओके, उसके पास नई कार है। तो ये हिंदी का अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए फ्यूचर टेंस में क्या है? क्रिया टू हैव के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट है। कौन सा स्ट्रक्चर है? फर्स्ट है। इसका आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रेजेंट टेंस में चला गया, इसको फ्यूचर टेंस में ले चलो। क्या होता है ना बाहर यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस भी रहता है, देखिए कितना ताला हुआ है नाला है, वहां खोल करके अपना शोर मचवा रहा है, तो थोड़ा सा माइंड कभी कभी बढ़ जाता है। तो उसके पास नई कार होगी, हम क्या करते हैं हो ये है। तो यह जो है हमारा क्या हुआ, हिंदी का स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव, क्या हो गया फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव में ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। बढ़िया, समझ लीजिए हर स्ट्रक्चर को मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। सेंटेंस को क्लियर, स्ट्रक्चर को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है।
अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं संभव है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस बैच में मैं दूंगा। जब तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा प्रैक्टिस बैच में आप नहीं चल पाएंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान में आ रही है, अगर आप न्यू व्यूवर हो या ओल्ड स्टूडेंट हमारे हो चुके हो, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लिया करो। डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे मोर पर, वहाँ पर मैं लिंक लगाता जा रहा हूँ, ठीक ना। जो ओल्ड वीडियोस हैं उसमें सब में तो लिंक नहीं है, लेकिन अब वीडियो इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ कि लिंक भी लगा दूँ, क्योंकि यही चीज़ मुझे पहले नहीं मालूम था, कुछ नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दिया और वीडियो लगाता गया, नहीं तो अब तक तो चैनल मेरा उठता, ये जान लीजिए। एक किशोर ने कमेंट किया था कि सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो उस बात का यही जवाब है कि मैं टाइटल विशुद्ध टाइटल लिख देता था, कौन सा टाइटल, बुक वाला जो पढ़ाते हैं हम लोग ऑफलाइन में वही वाला, लेकिन सर्चिंग टाइटल होना चाहिए, टैग भी सर्चिंग होना चाहिए, तो इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। आप इस सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड जितने वीडियो हैं उनका लिंक लगाते जा रहा हूँ, तो आप क्या करो, जहाँ नहीं समझ में आता हो जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनको वहीं पर क्लिक कर दो और उन वीडियो को पढ़ लिया करो, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह काम मैं कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी टाइटल टैग सुधार करके और वीडियो को पूरे भारत में, ठीक ना, पूरे विश्व में पहुँचाया जाए हिंदी भाषी छात्रों के लिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपका भी सहयोग चाहिए, सहयोग ये चाहिए कि आपको अगर अच्छा लगता है मेरा पैटर्न पढ़ाने का स्टाइल और जो मैं तरीका अपनाया हूँ, सांस्कृतिक तरीका, एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है मेरा। यहाँ पर लर्निंग स्टूडेंट के लिए तो ये रामबाण औषधि है, और जो पुराने हो गए हैं, सुनिए, वो सोच रहे हैं ये राय क्या करेंगे पढ़ करके, लेकिन जब तक ट्रांसलेशन पर नहीं पकड़ होगी आपकी, तब तक आपकी इंग्लिश नहीं आएगी। यूँ तो आप ऊपर ऊपर तैयारी करते रहो, समय गुजरता चला जाएगा, वो महंगा पड़ जाएगा, ठीक ना। बस यही सजेस्ट करना है। चलिए, उसके पास नई कार होगी, स्ट्रक्चर फर्स्ट है अफर्मेटिव का, ट्रांसलेशन कर लीजिए। He will have a new car. ठीक है, यह हुआ। अब करना क्या है, सबसे पहले आप इसको एसनो टाइप में बदल दो, अरेज में बदल दो, क्या लगा दो, क्या उसके पास नई कार होगी। अब देखिए, तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से इसकी उत्पत्ति होगी, इस क्या शब्द को लगा। अब ये क्या शब्द केवल हिंदी का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है, इसकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, इसके इक्विवेलेंट हम सैनियर विलमैन से कोई एक फ्रंट पकड़ देंगे। तो यहाँ पर विल है, ये भी क्या होगा, अब यहाँ पर अगर मैच कराते हो तो हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, पहला हो गया, हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब इंग्लिश का कौन सा मिलेगा, यहाँ पर तो इंग्लिश का फर्स्ट ही मिला, कौन मिला बेटा, फर्स्ट एक ही स्ट्रक्चर ही है वहां पर, अफर्मेटिव में एक ही स्ट्रक्चर है, आप क्रम से पढ़ते चलो तो आपको समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस विल को सर्कुलर कर देंगे, कर दिया, क्या कर दिया, विल ही कर दिया, उसके बाद हैव कर दिया और कार कर दिया। अब यहां पर इंग्लिश का क्या मिला, ये देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल गया, फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल गया इंग्लिश का,
तो ये एक स्ट्रक्चर तो हमने पूरा कर दिया। अब चलते इसी सेंटेंस को अगर हम डब्ल्यू एच टाइप में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? डब्ल्यू एच टाइप में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? तो देखिए इसी में हम क्या करते हैं, ऊबर क्या उसके पास नई कार होगी? तो वहां पर दोनों चीज था, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम ये भी संभव था यानी पहले से होगी, और करी प्रोबेबिलिटी इन द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम की भी संभावना। इसकी मैं चर्चा किया था कि होगा होगी दो अर्थ देता है, एक तो पास्ट टाइम का हम गेस जो करते हैं एजम्पशन करते हैं कल्पना वो, और एक फ्यूचर टाइम का जो हम प्रोबेबिलिटी करते हैं यानी गेस करते हैं वो। तो यहाँ पर अभी ऊपर जो सेंटेंस दिया था दोनों भाव, क्या उसके पास नई कार होगी यानी पहले से, अथवा नई कार होगी भविष्य में। अब यहाँ पर उसके पास नई कार कब होगी, अब ये पास्ट टाइम नहीं है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों भाव था, पास्ट टाइम का भी फ्यूचर टाइम का, तो टाइम को लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर पास्ट टाइम समाप्त हो गया, उसके पास नई कार कब होगी यानी इन फ्यूचर कब होगी, या फ्यूचर टाइम में चला गया, तो टाइम तो लेकर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कब सब जोड़ दिया, जब कब सब जोड़ दिया तो इसका मतलब कि ये तीनों छट गए। कौन होगा? होगा होगी को हम लेंगे यहाँ पर, देखिए और उसके पास नई कार कब होगी, यह सेंटेंस आया। इसका मतलब स्ट्रक्चर फोर्थ हो गया, हिंदी का स्ट्रक्चर कौन सा हो गया भैया? फोर्थ हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? तो हिंदी का यह स्ट्रक्चर फोर्थ हो गया। अब इंग्लिश में यह ध्यान देना है कि दो है, एक क्वेश्चन वर्ड के बाद सैराबिक मिल है और एक क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे अदर वर्ड्स है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये नई कार है, ये नई कार आपका अदर वर्ड्स है और ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, यानी इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड बाद में आ रहा है अदर वर्ड्स पहले, ठीक। तो यह क्वेश्चन वर्ड इस अदर वर्ड्स को अपने साथ नहीं ले जाएगा, अकेले जाएगा कहाँ? फ्रंट पर। तो अकेले फ्रंट पर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऊपर वाला ट्रांसलेशन में वेन जोड़ देंगे, ऊपर वाला जो अभी ट्रांसलेशन मैंने सिखाया है वेन जोड़ दिया, तो यहाँ पर वेन विल, ठीक ना जी, ही हैव न्यू कार, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश का हमारा ये मिल रहा है, सेकंड मिल रहा है, तो इंग्लिश का सेकंड मिल गया। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो जान जाओ कि इंग्लिश के मास्टर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, मेरी तरह मुझसे कम नहीं, मुझसे आगे निकल जाओगे। तो इस तरह से पढ़ो और कंपटीशन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में आती है तो भविष्य में बेरोजगार नहीं रहोगे। अब चलते हैं हम क्या करने इस स्ट्रक्चर में, इसका मैं हिंदी नहीं दिया। अब देखिए तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको क्या करना है, मैं इंग्लिश
बिटाता हूँ, when will he have a new car? इसको मैं क्या कहता हूँ, इस क्वेश्चन वर्ड और अदर वर्ड्स में फेर बदल कर देता हूँ, तो फेर बदल यानी एक्सचेंज कर देता हूँ, तभी संभव है कि क्वेश्चन वर्ड बदल दिया जाए, यानी इस क्वेश्चन वर्ड को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, तो उसके पास कब नई कार होगी, गलत हिंदी का सेंटेंस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको आप यहाँ पर ला करके नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आपको सेंटेंस ही बदलना पड़ेगा। तो सेंटेंस बदलने के लिए आप क्या करोगे, कुछ दूसरा क्वेश्चन वर्ड लोगे। अब मैं दिखाता हूं, उसके पास, ठीक है जी, कौन सी कार, देखिए कौन सी कार होगी, कौन सी कार होगी। अब हिंदी से अगर मैच करोगे तो होगा कि यहां पर है कौन सी, इसके पूर्व आ गया और अन्य शब्द इधर आ गया, कौन सी कार, कौन सी कार। तो ये देखना है कौन सी कार, सीधे कार का नाम पूछा जा रहा है, छटनी नहीं है, तो यहाँ व्हाट का ही प्रयोग आप करोगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये आपका नाउन है, तो क्या है, अदर वर्ड्स के अंतर्गत, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्वेश्चन, सॉरी इसमें यस नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड है। तो अब क्या करो, जैसे ये होता है, जब ये बाहर आता है इसके साथ पूरा ले करके आता, किसको जी, इस कार को ले करके साथ में आएगा, ये विशेष स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसमें बनाता तो तीन और हो जाते हैं हिंदी के, ठीक ना। तो कितना स्ट्रक्चर आप समझेंगे, लिखेंगे, समझना तो सब है यार, गलती से समझेंगे बोल गया, समझना तो सब लिखेंगे, इसको आपको समझ लेना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्हाट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, व्हाट कार, विच कार नहीं। जब छटनी होगी, वक्ता को पता है कि उसके पास कितनी कार है, कौन सी कार है, फिर तुम में से कौन कार उससे लेना चाहते हो, मांगना चाहते हो, तब विच का प्रयोग होगा। यहाँ तो पूछा जा रहा है कौन सी कार, तो व्हाट कार, ठीक ना, विल ही है, ये हो गया। तो इंग्लिश का देखिए, व्हाट कार विल ही है, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इंग्लिश का आपका थर्ड मिल गया, क्या मिल गया, इस तरह से आपको चलना होगा। इसलिए मैं नहीं मिटाया, मिटा दूंगा तो समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। मैं बोलता है, मैं तो बोल लूंगा, लेकिन आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो अब आगे मैं और एग्जांपल देता हूं, आप देखिए, इस स्ट्रक्चर में, ठीक ना, सीधा अफर्मेटिव नहीं बताता हूं, एक एग्जांपल दे दिया हूं, अफर्मेटिव मौखिक। देखो, तुम्हारा थैला मेरे पास रहेगा, मैं रखूंगा, ये अफर्मेटिव हुआ। अगर आप इसका एसनो टाइप बनाना चाहते हो तो क्या पूछो, प्रश्न क्या करोगे, क्या तुम्हारा थैला मेरे पास रहेगा, क्या तुम्हारा थैला मेरे पास रहेगा, कर लो, क्या
पहला मेरे पास रहेगा, ये बन गया। तो हर बात का अफर्मेटिव और इंटरप्रेटिव अगर मैं लिखने लगा समझाने लगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, आप लंबी वीडियो से उगते हो, दिक्कत ये है। तो अब इसको कट कर दो तो बन गया तुम्हारा थैला मेरे पास रहेगा। यानी आई सदो तुम्हारा पास, सॉरी तुम्हारा थैला मेरे पास रहेगा, ठीक ना, रहने दो, चिंता की कोई बात नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, आई सैन हैव योर बैग, तुम छोड़ दो मैं देखूंगा, ये बात होगा। अब क्या लगा दिया, तो जब क्या लगा दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, क्या लगा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा सैन, क्या तुम्हारा थैला मेरे पास होगा, अन्य शब्द हम पहले ले आ दिए, अदर वर्ड्स हम पाले ले आ दिए, ठीक ना। और मेरे पास ये कर्ता के पास रहेगा ये बाद में ले आ दिया। अरे स्पोकन हिंदी में मैंने इसको डाल दिया तो उससे आप परेशान मत होइएगा, इसको भी सीखना जरूरी है। तो सेल आई है योर बैग, ये बन गया कि नहीं बन गया, योर बैग। तो अब बताइए ये आया कि नहीं आया। अरे इंग्लिश और हिंदी दोनों लेकर के हम चलेंगे, तो इंग्लिश का मिला आपका, अरे हिंदी का मिला सेकेंड और इंग्लिश का भी मिला आपका, ओ गलती से सेकेंड लिख दिया, इंग्लिश में आपको फर्स्ट ही मिलेगा, ये मैच कर लीजिए। अब कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए। अब चलो हम कहते हैं कि तुम्हारा थैला मेरे पास क्यों रहेगा, तुम्हारा थैला मेरे पास क्यों रहेगा, तुम्हारा थैला मेरे पास क्यों रहेगा, क्यों रहेगा। तो अब आपको देखना है कि हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो अब बताइए यस नो टाइप तो है नहीं, रहेगा यहाँ पर है, ये वाला हिंदी का फिफ्थ स्ट्रक्चर, हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है, फिफ्थ है। और हिंदी के फिफ्थ के लिए इंग्लिश हमने यहां दिया सेकंड दिया, ठीक, ये ले लिया। तो आप क्वेश्चन वर्ड लगा लो, तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा भैया, तुम्हारा थैला मेरे पास क्यों रहेगा, तो यहां पर आप वाई लगा दो, और वाई लगा करके ये सेंटेंस उतार दो, तो वाई शैल आई है का योर बैग, ये हो गया। अब इंग्लिश का कौन सा मिला भैया, ये देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर मिलेगा, सेकेंड स्ट्रक्चर इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसे आप इसमें ले आना चाहते हैं, इसमें थर्ड वाले में जिसकी हिंदी मैं नहीं दिया हूं, तो थोड़ा सा फेर बदल कर दीजिए, देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं। रहेगा अब देखिए एक ही फैमिली के लोग जा रहे हैं
विसर्जन पर यात्रा पर तो होता है ना कि भैया वो वाला तुम ले लो, वो वाला आप ले लीजिए। तो एक व्यक्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अरे भाई मेरे पास कौन सा थैला रहेगा, मेरे पास कौन सा सामान रहेगा, मैं क्या लेकर चलूंगा, ये इसका भाव हुआ है। तो अब ये बताइए, इसका मतलब इस प्रश्नकर्ता सारे सामान से क्या है, पहले से भिज्ञ है, पहले से उसको नॉलेज में है कि कौन कौन थैला है, कौन कौन ले जाना है। तो छटनी हो रही है यहाँ पर, वाट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना? तो अभी तो बीज का प्रयोग हमको पढ़ाना है। यहाँ बीज देखिए कौन सा थैला, ये नाउन हो गया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, यह नाउन आपका क्या बना, अदर वर्ड्स के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो अन्य शब्द के पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये स्ट्रक्चर में हमने बताया ना कि अगर इसको उठा करके यहाँ कर दोगे तो थर्ड में चले आओगे, तुरंत थर्ड में आ जाओगे। तो थर्ड में आने का मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर छटनी हो रही है, तो आप यहाँ बीच का प्रयोग कर दो, बीच कर दिया, वाई की जगह क्या कर दिया, बीच कर दिया, और इस बैग को यानी योर बैग को उठा करके बीच से जोड़ दिया, तो बीच बैग यहाँ कर दिया, उसके बाद शायद, उसके बाद आई, ठीक ना जी, शायद आई हैव कर दिया, ये बन गया, देख रहे हैं ना। तो प्यार से पढ़िए, आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़िए। अब इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, इंग्लिश का स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक ना। अब आपका बचता है कौन सा भैया, ये वाला एसरो टाइप, ये और ये, इसको भी हम यहाँ ले आएंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर होगी, लेकिन भाई ये सब चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, और दुनिया की किसी भी एक किताब में तो सवाल ही नहीं है कि मेरा मैटर मिल जा। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई दिखा दे कि इस तरह का कोई राइटर आज तक पैदा है तो मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, ठीक ना भैया। तो आगे मैं चलता हूँ, देखना पड़ेगा, ठीक ना।
मैं सिस्टम से चलता हूँ। अब नया विवरण कहीं बताए सर, गुरु जी बता ही नहीं रहे हैं किसके साथ सहे लोग कब बिल का प्रयोग। नहीं, मेरे अगर स्टूडेंट बन चुके हो तो मुझे समझो। अब मुझे पढ़ना है, मेरी इंग्लिश ग्रामर लेना है, तो भैया आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ये नहीं है तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू विल हैव क्रेडिट, तो विल को प्रथम कर दो। विल यू हैव, बोलो क्रेडिट, ये मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इसको क्या करो कि डब्ल्यू एस टाइप में चेंज कर दो। तुम्हें यस, अब यहां पर लगा रहा हूं मैं, यस क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा। हाँ लिखते चलिए भैया नंबर। ये कौन सा मिला स्ट्रक्चर? ये मिला आपका इंग्लिश का फर्स्ट मिला, देख लीजिए यहां आ गए हम। अब क्यों मिलेगा, यस क्यों मिलेगा, तो हिंदी का कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला आ गया, यस क्यों मिलेगा। तो ये हिंदी का स्ट्रक्चर आपका सिक्स्थ हो गया। तो हिंदी का स्ट्रक्चर सिक्स्थ के लिए इंग्लिश का सेकंड मिलेगा, तो इंग्लिश का सेकंड मिलेगा, तो आप इस क्यों की इंग्लिश लिख दो, इसी के आगे जोड़ दो और कुछ नहीं करना है। तो क्या किया, वाई कर दिया, वाई हो गया, उसके बाद बिल हो गया, उसके बाद यू हो गया और है क्रेडिट हो गया, ठीक ना, क्रेडिट हो गया, ये बन गया, बन गया क्या, बन गया। तो ये इंग्लिश का कौन सा मिला, सेकेंड। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस वाक्य को इंग्लिश का थर्ड बढ़ाया जा सकता है? है तो यह वाक्य थर्ड में नहीं जाएगा, ठीक ना। तो थर्ड के लिए आपको कुछ दूसरा ही सेंटेंस लेना पड़ेगा, ठीक ना। यानी हम अदर वर्ड्स के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा करके और कोई नया सेंटेंस बनाए, ठीक ना। तो चलिए मैं बढ़ा देता हूं, मुझे कितना धन मिलेगा, मुझे कितना धन मिलेगा, कहने का मतलब कि भैया जो धंधा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, आप साझेदार को बना लिए, मुझे मेरा शेयर कितना होगा, मुझे मतलब मेरा शेयर कितना मिलेगा। तो अब बताओ मुझे कितना धन मिलेगा, हिंदी तो स्ट्रक्चर दिया ही नहीं है। बस इसको पकड़ने का तरीका है कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर ये नाउन है, और नाउन ही तो अदर वर्ड्स हमारा बन रहा है, मैं लिख दिया। तो अब आप क्या करोगे, ये साथ ही साथ आएगा, ठीक ना। तो कितना धन, इसका मतलब हाउ मच मनी हो गया, बोलो हाउ मच मनी हो गया, ये बन गया। अब इसको आप लिख लो, तो हाउ मच मनी को हमने क्या कर दिया, सर्वप्रथम कर दिया, हाउ मच मनी, ठीक ना। उसके बाद शायद कहा लगा रहा है, इसी में तो लगा रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर में याद देखिए, तो हाउ मच मनी, हाउ मच क्वेश्चन वर्ड मनी, और आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ शायद, शायद आई, उसके बाद है, ये देखिए यहां पर। तो
इंग्लिश का कौन सा स्ट्रक्चर मिला? इंग्लिश का थर्ड स्ट्रक्चर मिला। ठीक है, तो देखिए हम मैं वीडियो मेकर तो हूँ नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें करूँगा और मुँह टेढ़ा करके और सीधा करके बोलूँगा पढ़ा हुआ। मैं अपने स्वाभाविक तरीके से पढ़ाता हूँ, पसंद आता है तो लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने मित्र मंडली में चर्चा करिए, ठीक ना। और भगवान से ये बनाइए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा डिस्टर्ब इस समय चल रहा है, ठीक ना। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो वीडियो कंटिन्यू में डालूँगा। कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर पूरा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स डाल दिया जाए, जो अन्यत्र किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। मैं भी देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब पर टाइम देने लगा हूँ, लोग पढ़ा रहे हैं, सिस्टम नहीं है, कोई पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। ये लास्ट में बात इसलिए बताता हूँ कि आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तभी आप रुके हो लास्ट तक, तभी इन सब बातों को जानोगे, और नया व्यूअर हो तो वो तो चला गया, तो चला गया तो उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो अच्छी एडवाइस होगी, सजेशन होगा, और मैं लास्ट में ही बोलता हूँ, ऑफलाइन में भी मैं यही करता हूँ, लास्ट में ही बताता हूँ, इसलिए जो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखो और कोई अच्छा सजेशन है उसे ले करके जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। तो अगले क्लास तक के लिए काजी टाटा बाय बाय, थैंक यू।